Hello student, welcome back again in the second part of chapter number 4, environmental management. Okay, so this chapter में जैसे कि total 5 topics थे. Okay, so हमने video के first part में यहाँ पर जो है total 5 topics में से 1, 2, और 3 topics discussion किए थे, ecosystem, environment and ecosystem and biodiversity hotspot. आज हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से. सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यहाँ पर टॉपिक आ गया है. सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसका बचाव करना. सो उससे रिलेटेड टॉपिक है. तो इस टॉपिक में हम एक्चुअली देखेंगे कि हम एनवायरमेंट को कैसे और किस तरीके से कौन कौन से वेज हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं. ओके, सो बट बिफोर कंजर्वेशन हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को जो है हार्म करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं नेचुरल फैक्टर्स और मैन मेड फैक्टर्स. ओके, सो नेचुरल फैक्टर्स में यहाँ जैसे अर्थक्वेक दिया हुआ है, यानी कि हम देख सकते हैं जैसे कि जो एनवायरनमेंट में नेचुरली चेंजेस होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली निसर्ग साइक्लोन आया था, तो उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट जो होता है डिस्टर्ब होता है और उसके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं, सो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं. और कुछ मैन मेड फैक्टर्स होते हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर दिया हुआ है. सो उसी तरीके से हम और भी नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स देख लेते हैं यहाँ पर. तो जैसे कुछ नेचुरल फैक्टर्स यहाँ पर है वॉल्केनिक एरप्शंस, फ्लड, क्लाउड ब्रस्टिंग, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एक्सेट्रा. ओके, सो ये सब नेचुरल फैक्टर्स होते हैं कि जो अगर आते हैं तो एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. फिर उसके अलावा अगर हम मैन मेड फैक्टर्स देख लेते हैं तो जैसे डिफॉरेस्टेशन एज यूजल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, डैम्स, टेररिज्म एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द मैन मेड फैक्टर्स. ये सारे मैन मेड फैक्टर्स होते हैं जो हमारे थ्रू होते हैं और ये एनवायरनमेंट में सडन चेंज. जैसे कि अगर हम बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा रीज़न है आज के समय में जो ह्यूमन बींग जो है अपनी रहने के प्लेसेस को सेटिस्फाइड करने के लिए कंटिन्यूस जो है फॉरेस्ट एरियाज को कट करते जा रहे हैं, और जिस वजह से क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है और इस वजह से एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. और इस वजह से क्या होगा कि आने वाले समय में जो है ये एक एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा अफेक्ट करेगा और वो चेंजेस हम देख रहे हैं आज के समय में, वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं. सो उसी के बेसिस पे महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट बोला था, द अर्थ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाइज एवरी वंस नीड बट नॉट द ग्रीड. मतलब अर्थ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करके हम जो है अपनी नीड को सेटिस्फाइज कर सकते हैं, लेकिन ग्रीड को नहीं. मतलब ग्रीड मतलब होता है लालच. यानी कि अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हमें दी गई हैं, यानी नेचुरली चीज़ें जो भी दी गई हैं, हम अपनी चीज़ों को जो है सेटिस्फाइड कर सकते हैं, सफिशियंट है, काफ़ी है. लेकिन अगर हमारी लालच बढ़ती गई तो उस चीज़ को अर्थ सेटिस्फाइज नहीं कर सकता. ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों की आदत हो गई है, हम जो नॉर्मल चीज़ें हमारी लाइफ में जितनी हैं उससे ज़्यादा हम चाहते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ को हार्म कर रहे हैं और ये प्रोटेक्शन जो होता है एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो जाता है. तो इसलिए हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है. नेक्स्ट फैक्टर हम और भी कुछ देखते हैं यहाँ पर. जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इससे तो आप ऑब्वियसली अवेयरनेस होंगे कि फॉग एंड पॉल्यूशन इन द सिटी. सिटी में जो बहुत सारे फॉग व्हीकल के स्मोक निकलते हैं तो कंटिन्यूसली इस तरीके से एयर पॉल्यूशन जो होता है क्रिएट होते जाता है. और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया है कि अगर एक दिन जो है पूरे वर्ल्ड की व्हीकल्स अगर चलना बंद हो जाए तो 80% तक का जो पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है. ओके, सो यहाँ पर ये जो टेबल दिया हुआ है चार्ट, ये जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में से लिया गया है. सो यहाँ पे कुछ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन दिया गया है. उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या है और उनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं.
तो कुछ जगह यहाँ पर ब्लैंक दी गई है, ये हमको फिल करना है। तो उसके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको इसमें से कोई भी एनी टू लिखने हैं। जैसे एयर पोल्यूशन से अगर पूछा तो उसके कितने कंपोनेंट लिखने हैं आपको, टू, दो से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। सोर्सेज बोला तो एनी टू सोर्सेज लिखने हैं, इफेक्ट्स बोला तो एनी टू इफेक्ट्स लिखने हैं, और कंट्रोल मेजर्स बोला तो एनी टू कंट्रोल मेजर्स बोले। ओके, तो यही आपको लिखना है। वैसे सेम एज इट इज़ वाटर पोल्यूशंस भी लिखना है और सॉइल पोल्यूशंस भी। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। ये कंपोनेंट्स बहुत सारे यहाँ पर है, तो आपको एनी टू लिखने हैं। सोर्सेज भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, एनी टू, इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और उसमें से भी एनी टू, और सेम एज लाइक कंट्रोल मेजर्स भी उसमें से भी कोई एनी टू ही लिखना है। तो ये सारे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के यहाँ पर कंपोनेंट्स, सोर्सेज, इफेक्ट और कंट्रोल मेजर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है अभी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो एनवायरनमेंट को काफ़ी अफेक्ट करता है ये। ओके, सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बेसिकली जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। यूवी रेज मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज, और आईआर मतलब होता है इंफ्रारेड रेज। ओके, जो एक्स रेज में पाया जाता है रेडिएशन, वो भी एक होता है। फिर एटॉमिक एनर्जी जो पावर प्लांट होते हैं, वो भी रेडिएशंस के थ्रू अकर्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ ए चेर्नोबिल वेन स्केल एंड थ्री माइल्स आइलैंड्स मिशेप। ये क्या है, बेसिकली ये न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट से रिलेटेड है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंटल है। चेर्नोबिल जो हुआ था ये यूक्रेन में हुआ था, फिर उसके बाद वेन स्केल जो था ये ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, और थ्री माइल्स आइलैंड मिशेप जो था ये यूएस में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक्सीडेंटल है। ओके, सो इसके बेसिस पे क्या हुआ कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, और इसके कांटेक्ट में जितने भी पीपल्स आए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट। ओके, सो यहाँ पर जो होता है सम ऑफ दिस इफेक्ट्स, इसके कुछ इफेक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कैंसेरियस अल्सरेशन अकर्स ड्यू टू द हाइयर रेडिएशन ऑफ एक्सरे। जैसे कि हम बोलते हैं कि जब अभी हमारी बॉडी में बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो हम एक्सरेज करवाते हैं, तो अगर आप मैक्सिमम एक्सरेज करवाते हैं तो उसका रेडिएशन का इफेक्ट जो होता है स्किन पे जो होता है, यानी बॉडी ऑर्गन्स पे कैंसेरियस अल्सरेशन क्रिएट करता है, यानी कि बॉडी ऑर्गन के जो सरफेस सेल्स होते हैं उनको वो डैमेज कर देता है। ओके, सेम उसी तरीके से टिश्यू इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। अगर सेल डैमेज होंगे तो टिश्यूज भी डिस्ट्रॉय होंगे। जेनेटिक चेंजेस अकर, रेडिएशन की वजह से जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम म्यूटेशन ले लेते हैं, तो म्यूटेशन एक जेनेटिक चेंज होता है। फिर उसी तरीके से विजन इन एडवर्सली अफेक्ट, यानी कि चीज़ों को जो है हम अच्छी तरीके से देख नहीं सकते, यानी विजन मतलब होता है देखना, तो चीज़ों को देखने में हमें जो भी दिक्कत महसूस होगी। ओके, तो यहाँ तक हमने ये देखा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को जो है हार्म कर रहे हैं। मैनमेड फैक्टर्स हमने देखे, उसके बाद हमने नेचुरल फैक्टर्स देखे, और फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन देखे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में टॉपिक में कि कुछ जो है हम एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ, दैट इज़ द नीड फॉर एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन। तो दो आंसर्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं, टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। जो नेचर है उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करना है, यानी जो नेचर की दी हुई चीज़ें उसको बैलेंस बना के रखना है अच्छे तरीके से। ओके, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना है। दूसरा है टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। जो हमारे मैन मेड फैक्टर्स हैं नेचर के साथ में, नेचुरल फैक्टर्स के साथ में, उनको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएंगे तो एनवायरमेंट अपने आप जो है बनता रहेगा। जैसे कि हमें नेचर के साथ इको फ्रेंडली होना पड़ेगा, तो हमें डिफॉरेस्टेशन कम करने पड़ेंगे। ओके, या फिर डिफॉरेस्टेशन जो है वो बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसके अलावा जो एनवायरमेंटल हमें चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे कि लैंडस्लाइड जो हो रहा है मैक्सिमम, तो हम क्या कर रहे हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन, रोड जो बना रहे हैं तो वो हम हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज को कंटिन्यूसली कट करते जा रहे हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। अब हम देखते हैं आगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टू मेंटेन द क्लीन पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर एंड लैंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा पॉल्यूशन फ्री एयर, यानी कि जैसे जो व्हीकल्स के स्मोक होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और वो पॉल्यूटेड एयर हो जाते हैं, तो वो पॉल्यूटेड एयर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो हमें पॉल्यूशन फ्री एयर करना पड़ेगा।
फिर वाटर भी क्लीन रहना चाहिए और लैंड भी क्लीन रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा वो बेटर तरीके से हो सकेगा। टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थ से हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि वाटर इज़ अ लिमिटेड, वाटर जो है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर हम उसका मैक्सिमम और अननेसेसरी यूज़ कंटिन्यूस करते जाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर जो होगा ख़त्म हो जाएगा, और जो वाटर फिनिश हो जाएगा तो हमारे पास जो अर्थ के थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज मिले हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, और सभी के सभी जो लोग हैं अर्थ पर रहने वाले वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना है और उसको बचाना भी है। नेक्स्ट वन है टू प्रोटेक्ट द कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। जो एनिमल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के एक पार्ट होते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है कि जो नेचुरल बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो इसलिए बायोडाइवर्सिटी जितने भी जैसे प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए उन सबको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमें आने वाली जनरेशन को एक बेटर जो है लाइफ देनी है, यानी कि उनको जो है ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों का यूज़ हमने कर लिया और उनके लिए आने वाली जनरेशन के लिए कुछ रखा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो हमें हर चीज़ का जो अर्थ हमें फ्री में चीज़ें दे रहा है उसका हमें सस्टेनेबल तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और वही जो है आने वाली लाइफ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उनको और भी अच्छे तरीके से बताना है और उनको वो लाइफ अच्छी लाइफ हमें देनी है। अभी नेक्स्ट है हमारा देयर इज़ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी ह्यूमन बींग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, सो ह्यूमन बींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बनती है वो हम देखते हैं। फर्स्ट बोलता है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्टेड सिंस ओरिजिन ऑफ मैन। मतलब कि ह्यूमन और एनवायरमेंट का जो रिलेशनशिप है इंटर रिलेशनशिप वो तब से है जब से मैन जो है अर्थ पर आया, यानी कि उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है अर्थ पर। ह्यूमन बींग हैज़ बिकम सुप्रीम ऑन द अर्थ ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस मेमरी इमेजिनेशन क्रिएटिव एबिलिटी। ओके, जो नेचर में यानी हम बोलते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान ने हमें जो है इंटेलिजेंस बनाया है, हमें मेमोरीज दी है अच्छी खासी चीज़ों को रिमेंबर करके रखने के लिए, हमारा इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग किया है और हमें क्रिएटिव एबिलिटीज़ भी दी है। तो हम अर्थ पर एक सुप्रीम पर्सन हुए। ओके, तो बाकी अदर जितने भी एनिमल्स हैं उनसे हम काफ़ी अलग है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हमें पता रहता है। ह्यूमन हैज़ यूज्ड अप अ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी थॉट, द डेवलपमेंट प्रोसेस हैव कॉज्ड एक्सट्रीम डैमेज टू द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे ह्यूमन का ब्रेन डेवलप होते गया वैसे वैसे क्या हो गया कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करना चालू कर दिया, और अपनी कन्वीनियंस के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करने लगे कि उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं कि इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि अभी हम जो कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं तो बहुत सारी न्यूज़ हमें ये भी आती है कि ये चाइना का जो लैब है वहाँ से जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ रिसर्च में गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है फैल गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि हम चीज़ों को जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करना चाहते हैं, और इस वजह से वो नेचर क्या कर रहा है, नेचर को हार्म कर रहा है, और नेचर को हार्म करने का मतलब कि उस एनवायरनमेंट से हम बिलोंग करते हैं, सो दैट मीन्स वो हमें भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रहा है और ये आज हम देख भी रहे हैं। मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस इज़ द ड्यूटी ऑफ ह्यूमंस। यानी एनवायरमेंट को बैलेंस करके रखना ये हमारी एक ड्यूटी है, मेंटेन करना पड़ेगा हमें उसको। ठीक है, सिंस वी हैव डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस ओनली वी शुड थिंक ऑफ द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जब हम एनवायरमेंटल बैलेंस को जो है अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हम तभी सोचते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि जब हमने पहले हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमें एनवायरमेंट लोग हमें बोलेंगे कि आप पेड़ लगाओ ये करो चीज़ों को, तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एनवायरमेंट तब लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, नेचर को हमें कंजर्व करना चाहिए था, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जो जैसा कि अभी हो रहा है, अभी कोरोना वायरस आ गया है तो हम सोच से नेचर सही तरीके से होता, ज़्यादा प्लांट होते तो हमें ये चीज़ सारी चीज़ें जो है नहीं झेलनी पड़ती।
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एनवायरनमेंटल लॉज बनाए थे। सो फर्स्ट लॉ था, दैट इज़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो 1980 में बनाया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया थे उसको गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया था कि वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। और अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया गया, लॉ को फॉलो नहीं किया गया, तो उसके लिए 15 डेज का इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जेल की सज़ा पनिशमेंट के तौर पे दी गई जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा रूल था, दैट इज़ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। 1986 में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट लॉ बनाया गया था। इसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट अगर एनवायरमेंट को हार्म करता है और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो उसके लिए जो है उसे पनिशमेंट के तौर पे 5 साल की जेल की सज़ा हो सकती है या फिर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, 1,00,000 रुपीज़ तक का उसे फाइन देना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आता है, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना गया था, क्योंकि पुराने टाइम पे क्या होता था, जो ह्यूमन बीइंग होते थे वो एनिमल्स को जो थे उसके स्किन के लिए, जैसे टाइगर को स्किन के लिए मारा जाता था, एलिफेंट को उनके दांतों के लिए, उनके टीथ के लिए मारा जाता था, तो ये सब चीज़ें थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए। फर्स्ट था, एज पर क्लॉज 49A ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल हैज़ बीन कम्प्लीटली बैन। जो रेयरली एनिमल मिलते हैं यानी कि कम पाए जाते हैं, वो एनिमल्स का जो ट्रेडिंग था वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। फिर क्लॉज 49B बनाया गया, इसके अकॉर्डिंग यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स प्रिपेयर फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन बैन। जो स्किन और ऑर्गन का यूज़ करके जो है एनिमल्स के जो भी आर्टिकल्स प्रिपेयर किए जाते थे वो गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिए। और क्लॉज 49C के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम द रेयर वाइल्ड एनिमल इज कंपल्सरी। यानी गवर्नमेंट ने जो एनिमल्स के यानी कि आर्टिफैक्ट्स, एनिमल्स के ऑर्गन्स का यूज़ करके, जैसे कि राइनोसोरस का हॉर्न्स का यूज़ करते हैं, फिर एलिफेंट के टीथ का यूज़ करते हैं, तो ये सभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। इनका यूज़ करके जो आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, बैन कर दिए। अब हम देखेंगे द बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन, एक स्मॉल मैन की स्टोरी देखेंगे। ये स्टोरी है जादू मलाई पेयांग की, जिन्होंने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये आसाम से बिलोंग करते हैं, आसाम के रहने वाले हैं, और 16 ईयर की एज में ये एज अ फॉरेस्ट वर्कर काम करना इन्होंने चालू कर दिया था। और इन्होंने जो है 1,360 एकर बैरन लैंड को जो है फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट किया था, तो और इनके इस काम के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया था। और जो बैरन लैंड को इन्होंने फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट किया था, उस फॉरेस्ट एरिया को जो है मोलाई जंगल के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए इनके काम को देखते हुए ये भी कहा गया है, दैट इज़ द मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर सिंगल पर्सन जो डिटरमाइंड है, अपने लक्ष्य को लेकर जागरूक है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक नया फॉरेस्ट जो है वापस से डेवलप कर सकता है, बना सकता है। तो इसीलिए हमें भी अपनी लाइफ में कम से कम एक जो है प्लांटेशन करना चाहिए, एक प्लांट तो जरूर लगाना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कम से कम एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में हमारा बहुत बड़ा एक रोल प्ले हो सकता है। सो हमें अपनी लाइफ में कम से कम एक प्लांट तो जरूर लगाना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ख़त्म होता है। अब हम आगे देखेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में। एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सो एनवायरमेंट को मैनेजमेंट करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो होता है बायोडाइवर्सिटी का। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैसे जैसे नेचर अपने आप को चेंज करते जाता है, वैसे वैसे अदर टाइप्स के जो एनिमल प्लांट ये होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो भी नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चेंज करते हैं, क्योंकि अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये वेरिएशन होता है, एक प्रोसेस का जो होता है वेरिएशन होता है, तो वो हम देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर दिया लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
यहाँ पे तीन लेवल्स है बायोडाइवर्सिटी के, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो डाइवर्सिटीज होती है सेम स्पीसीज से बिलोंग करती है, बट उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर हर एक पर्सन के अंदर बोले तो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम सेम स्पीसीज की बात करें तो हम ह्यूमन बींग ले लेते हैं, राइट। ह्यूमन बींग जो है वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बट हर एक पर्सन के अंदर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए का वो सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। ओके, तो होता कैसा है बेसिकली कि अगर हम आज के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में जो एनवायरनमेंट जैसा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी आने वाली जनरेशन जो है उस एनवायरनमेंट में अगर सर्वाइव कर पाएगी तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाता है। ओके, तो कभी कभी ये जेनेटिक डिसऑर्डर के फॉर्म में भी क्रिएट हो सकता है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी से रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है स्पीसीज डाइवर्सिटीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि डाइवर्सिटी इन द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट अकर इन द नेचर। वेरिएशन मतलब ये एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे मंकीज, तो मंकीज जो है ये एक स्पीसीज है और उसके अकॉर्डिंग मंकीज में हम चिंपांजीज भी देखते हैं, गोरिल्लास भी देखते हैं, लंगूर भी देखते हैं, तो ये सभी मंकीज की कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं बट ये अलग अलग डाइवर्सिफाइड है, यानी कि हर एक का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए हमने उन्हें अलग अलग नेम की कैटेगरी में रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन, डाइवर्सिटीज ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब यहाँ पे बात करें कि जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो हर एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब जो इकोसिस्टम होता है वो फॉर्म होता है इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एनिमल एंड देयर हैबिटेट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो प्लांट एनिमल और उनके जो हैबिटेट होते हैं और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उससे एक इकोसिस्टम बनता है, और हर एक एनिमल जो होता है उसका एक अपना इकोसिस्टम का एक क्राइटेरिया होता है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी वो जिस पर्टिकुलर रीजन पे रहता है उस वहाँ के इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है। ओके, सो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी इकोसिस्टम जो है पूरे अर्थ पर एक जैसा नहीं है। अगर हम अलग अलग रीजन की बात करेंगे तो हर जगह इकोसिस्टम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट मिलते हैं, बिकॉज वो अपने आप को वहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और वो उस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं अपने आप को। तो मेनली इकोसिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, सो यहाँ पे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये फिनिश होता है हमारा। अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो रेयर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड है एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ओके, तो जो नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व, जो कुछ रीजन्स हैं उन्हें हमें बायो रिजर्व रीजन डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज, गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्पीसीज जो होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा ताकि उन्हें कंजर्व किया जा सके। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी टाइप्स के एनिमल और प्लांट्स को कंजर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्विंग द रूल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लेके, वो सभी हमें रूल्स को ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि रिलेट करते हैं हर एक सभी का अपना ट्रेडिशनल कल्चर अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी लोग एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो सभी के ट्रेडिशनल नॉलेज का रिकॉर्ड हमें या गवर्नमेंट को जो है रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वो पिक्चर्स हम देख लेते हैं। सिम्बॉल्स जो है हमें क्या बताते हैं, जो फर्स्ट सिम्बॉल है वो बताता है दैट इज़ द कीप और वेस्ट केयरफुली, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ फेंकना चाहिए। सेकंड सिंबल जो है वो बताता है दैट इज़ द सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को हमें सेव करना चाहिए। थर्ड जो सिंबल है बताता है मींस यूज़ ऑफ द ग्रीन एनर्जी,
साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का मतलब होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट जो है वो बोलता है सेव वाटर, यानी नेक्स्ट सिंबल जो है वाटर को सेव करने के लिए बताता है। और इसके लिए इससे बेनिफिट ये होगा कि आने वाली जो जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन, वो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा रोल क्या होता है एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए। ओके, माय रोल इन एनवायरनमेंट। सो पहला आता है कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। अभी तक जितने भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं उनको हमें जो है कंजर्व करके रखना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए, प्रिवेंटिंग द हार्म, यानी कि एनवायरनमेंट को हम जितना कम से कम हार्म कर सके या फिर ना कर सके हार्म हमें नहीं करना चाहिए। ओके, वो प्रिवेंट करना पड़ेगा। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़, हार्मफुल एक्टिविटीज़ जितनी भी है उसको स्टॉप कर देना चाहिए। चेंजिंग द माइंडसेट, हमें एनवायरनमेंट को लेकर अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है वो सब कुछ है, अगर एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हम भी बिना एनवायरनमेंट के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, प्रोडक्शन, किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया और सॉइल पोल्यूशन हो गया। तो इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो जिनकी वजह से ये सभी पोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, यानी कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें इनोवेट करनी पड़ेंगी जिससे कि जो है एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचाया जा सके। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लांटेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे अभी हमने लास्ट पिक्चर में देखा कि गार्बेज को हमें सेव करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमने देखा गार्बेज को सेव करना है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन रिसोर्सेज यानी ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, सेव वाटर। तो इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचा सकते हैं। ये सब अटेम्प्टिंग इनोवेशंस हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन। अब ये प्रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ बिन लेफ्ट ओवर, यानी कि अभी तक जो हमने जितने भी एनवायरनमेंट को हार्म किया है तो जितनी भी चीज़ें हमने लॉस कर दी है वो तो हो गई, लेकिन अभी भी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज बचे हुए हैं वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है हम कैसे कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहिए हमको। रेमेडीज़ टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस। ओके, तो हम देखेंगे कि कौन सी वो रेमेडीज़ है जो आगे के लॉस से हमें बचा सकती हैं। तो हमें ऐसा कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा जिससे एनवायरनमेंट जो है आगे लॉस ना हो, आगे एनवायरनमेंट को आगे हार्म ना हो। प्रिजर्विंग अननोन रीजंस, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो अननोन है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो उन सभी अननोन रीजंस का हमें पता लगा के उनको प्रिजर्व करना है। ओके, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, तो जिनको भी वो फॉरेस्ट एरिया को, लैंड को डिस्ट्रॉय करना रहता है, बिल्डर्स वो सभी डिस्ट्रॉय करते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को क्या कर देते हैं, बिल्डअप कर देते हैं। तो वैसे एरियाज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, यानी कि जो हार्म्स हो सकते हैं उनको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो हार्म एनवायरनमेंट को ह्यूमन बींग के थ्रू किया जा रहा है उसको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, डिज़ाइनिंग न्यू प्लान, यानी कि हमें नए से नए जो प्लान हैं क्या क्या बना सकते हैं, या कि भी हम कौन से आगे ऐसे प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, और वो कौन से फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं उसका हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा। फिर आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस में फर्स्ट वन है एजुकेशन। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा कि एनवायरनमेंट को हमें हार्म नहीं करना चाहिए, राइट। सो एजुकेशन इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड है गाइडेंस, हमें गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर हमसे जो बड़े हैं उन्होंने हमें गाइडेंस दिया है कि एनवायरनमेंट को हमें कंजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है, सो हम उसी
दे अकॉर्डिंग एनवायरमेंट्स के साथ में फ्रेंडशिप करेंगे, यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। अवेयरनेस, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इमिटेशन मतलब होता है कॉपी ऑफ समथिंग रियल, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एनवायरमेंट में नेचुरल होती है, तो हमें सेम वैसे ही उसके जैसे दिखने वाली चीज़ों को कॉपी करना पड़ेगा, वैसा ही बनाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इमिटेशन। ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेशन, यानी कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्टअप करना पड़ेगा और एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो होता है फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 4 साइंस 2 का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब आपको करना ये है कि आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, क्योंकि हम जितने भी वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हैं वो लेक्चर्स तो फिनिश होते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो है आपको यूट्यूब पे भी पढ़ते रहना, सॉरी टेक्स्ट बुक भी रीड करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका जो नॉलेज होगा वो बढ़ेगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वैसे मैं आपको PDF में वापस से भेज दूँगा। ओके, सो अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।